Welcome to this demonstration video of antenna and microengineering. Today we are going to perform a practical to plot the radiation pattern of a dipole antenna. We are having an equipment which is a function generator, signal generator, which can generate from 100 megahertz to 3 gigahertz. So wide variety of antennas can be used to connect to this function generator. Also, we are having a detector circuit inside this kit, so that we can measure the received power. So in this practical, what we have done, we have connected the output of this function generator to a dipole antenna with the reflector, which will work as a transmitter antenna. And at the receiving end, we have connected the dipole antenna, which we are going to measure its radiation pattern. तो हमको रेडिएशन पैटर्न इस डायपोल एंटीना का मेजर करना है, और ट्रांसमीटर के रूप में भी हमने एक डायपोल लिया है विद द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर. सो इन दिस प्रैक्टिकल वी आर यूजिंग 700 मेगाहर्ट्ज एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल, एंड अकॉर्डिंगली द लेंथ ऑफ द डायपोल विल बी फिक्स्ड. तो हम यहाँ पर अगर आप कैलकुलेशन करेंगे हाफ वेव डायपोल के लिए, तो 7 सेंटीमीटर वन साइडेड लेंथ वी आर गोइंग टू, यू कैन सी हियर अराउंड 7 सेंटीमीटर वी आर गेटिंग द वन साइडेड डायपोल लेंथ. तो ये ही जो लेंथ है हम ट्रांसमीटर साइड में जो डायपोल है उसके लिए भी सेट करेंगे. अब इसके बाद हमारा जो सेटअप है उसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो रिसीविंग एंटीना है वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड है जिसमें एंगल्स जो है वो प्रिंटेड है. आप देख रहे हैं हमने 0 डिग्री एंगल पे उसको सेट किया हुआ है हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन के लिए. और इसके नीचे स्टेपर मोटर लगा हुआ है जिससे कि ये डिफरेंट एंगल पे 5-5 डिग्री डिफरेंस पे रोटेट हो सकता है. तो ये जो फीचर है स्टेपर मोटर को रोटेट करने का, ये भी इस किट में पहले से दिया हुआ है. तो हमको इस किट में कुछ नहीं करना है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करना है और वी हैव टू ऑब्जर्व द आउटपुट फ्रॉम द लैपटॉप और डेस्कटॉप. तो वो हमको कनेक्ट करना है, और ट्रांसमीटर और रिसीवर हम ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं. तो लेट अस स्टार्ट द प्रैक्टिकल. वी हैव डन द कनेक्शंस, नाउ वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द प्रैक्टिकल. विल गो टू द यूजर डिफाइंड एक्सपेरिमेंट एंड वी वॉन्ट द आउटपुट टू बी अ पोलर प्लॉट. Now we are selecting the experiment. It says connect the transmitter antenna, which we have already done. Connect the receiver antenna, which is dipole antenna, वो भी हम connect कर चुके हैं. अब इसके बाद में हमको frequency और power select करना है. तो frequency I am going to select 700 megahertz according to the length of the dipole, and power we will be taking a default value 5 dBm. Now our setup is complete, and we'll hit the next button and our practical starts. You can see the dipole is rotating around because of the stepper motor. 5-5 degree ke angle se wo ghoom raha hai, aur received power jo hai wo reading डिटेक्टर के द्वारा लिया जा रहा है, और जो कि आप डिस्प्ले में भी देख सकते हैं. डिस्प्ले में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि डिफरेंट एंगल्स के लिए पावर वैल्यू डीबीएम में दिखा रहा है. तो ये पूरा 360 डिग्री रोटेट होगा और सारी रिसीव्ड पावर वैल्यूज कैलकुलेट
हो जाएंगी विच वी आर गोइंग टू प्लॉट इन द पोलर प्लॉट. नाउ द डिस्प्ले इज शोइंग अपलोड डेटा टू कंप्यूटर. फर्स्ट वी शुड मेक श्योर अवर सॉफ्टवेयर इज रनिंग. तो हमने इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है और उसको चालू कर दिया है और कनेक्ट कर दिया है सिस्टम के साथ में. अब मैं यहाँ से डेटा अपलोड करने वाला हूँ. नाउ यू कैन सी द पोलर प्लॉट हैज़ बीन ड्रॉन ऑन द स्क्रीन. वी कैन ईजिली मेक आउट द ये जो पैटर्न है एक डोनट शेप होगा अगर इसको थ्री डायमेंशनल में प्लॉट किया जाए. और टू डायमेंशनल में आप देख रहे हैं कि ये दो बलून्स जो है एक नॉर्मल डायपोल एंटीना का पैटर्न होता है वो है. इससे हम मेजरमेंट भी कर सकते हैं डिफरेंट एंगल्स के लिए. यहाँ वैल्यूज अगर आप देख रहे हैं तो उससे हम इसका हाफ पावर बीम विड्थ बिटवीन फर्स्ट नल्स, ये जो नल्स हैं इसके बीच में आप एंगल निकाल सकते हैं. फ्रंट टू बैक रेशियो तो इसमें कुछ होगा नहीं क्योंकि दोनों ही ये ओमनीडायरेक्शनल पैटर्न होता है. सो इन दिस वे वी कैन ऑब्जर्व द रेडिएशन पैटर्न ऑफ डायपोल एंटीना एंड वी कैन डू द वेरियस कैलकुलेशंस ऑल्सो. डायपोल एंटीना के लिए ये रेडिएशन पैटर्न हमने यहाँ पर देखा और ये वैल्यूज हम पोलर प्लॉट में एंगल्स के लिए भी मेजर कर सकते हैं. इससे डिफरेंट मेजरमेंट्स किए जा सकते हैं जैसे हाफ पावर बीम विड्थ बिटवीन फर्स्ट नल एंड गेन ऑल्सो. यू कैन सी हियर डिफरेंट वैल्यूज ऑल्सो here for the different angles. So this practical is to demonstrate the radiation pattern of a dipole antenna and we can do the measurements from that radiation pattern. Thank you.